इसको देख के आप सर कैसे बात कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको दो लाइन कह के आगे बढ़ना चाहिए। सर मैं इस बात के ऊपर कहते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप जो अभी हम बात कर रहे थे ना, क्या हम पैसे के लिए काम करना कोई बुरी बात है? सर पैसे अगर नहीं होते तो ये खाना नहीं चला, पकड़ा भी देते ना, तो भाई साहब ये सीख नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये सीख ही अतुल आपके रेस्टोरेंट के नाम के साथ भी जुड़ा है, खोड़िका। खोड़िका तो हम लोग हैं हेरिटेज खोड़िका में, और खोड़िका मतलब सीख। फैंटास्टिक सर। भाई साहब अब जरा मैं रुकूंगा, जरा खा के बात। सर बिल्कुल 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 सर, बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस? दिस इज पोको। ऑलराइट, फैंटास्टिक। तो चटनी दे दे सर। हां बहुत जरूरी है, चटनी दीजिए प्लीज। क्या बात है, वाह वाह। बस सर इसको थोड़ा सा खाइए, कैसा है बोलिए, उसके बाद सर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खाते रहेंगे बोलते रहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। फैंटास्टिक। आपका दाल ये दे देते हैं? मुझे जरा चावल जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा चावल लूंगा मैं, हर कोई थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूंगा जी। यस करो प्लीज। थोड़ा बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खोड़िका दिया, गाहरी मांस अकमान दिलो नहीं सर, अकमान अकमान जाके बड़ा। वाह वाह वाह। देखिए साथ साथ में लगे हाथों अपने रील्स भी शूट कर रहा हूँ, बड़ा जरूरी है ना। वाह 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 वाह। सर इसको भी जरा सर्व करिए ना। अरे सर चिकन कुछ बनाना हुआ अतुल मुझे सर्व कर रहे हैं। बस बस थोड़ा थोड़ा खाते रहता हूँ। रूपाली बहू का हाथ का क्या अच्छा लगता है आपको? वो वेजिटेरियन है, ये नहीं खाते। तो वो अगर मैं उनको आपके साथ सर जुड़े कैसे? मैं बताता हूँ उनको, आप जहाँ तहाँ सिर्फ खाते खाते दिखाते रहते हैं। और वो वेजिटेरियन बहुत अच्छा खाती है। दूसरी बात ये कि उनके लिए अगर मैं वो ऐसे पातुरी बनाऊँ, मैं फिश से बनाऊंगा उनके लिए। अच्छा, फिश से ही बन सकता है ना? आराम से बन सकता। क्या बात है, फैंटास्टिक। এইটো হল মানে কলফুলৰ কলফুলৰ লগত বা কলডিল আৰু মাংস, কলডিল মাংস আছে, মাছ পিটিকা আছে, মাছ পিটিকা, মাছ পিটিকা। আরে বাহ বাহ বাহ। বিলাহী চাটনি আৰু আছে তিলত দিয়া তিলিয়া পোক, তিলিয়া গাহৰি মাংস লগত ভাত। রাইট স্যার, খানা সামনে রাখে बात ज्यादा नहीं करना चाहिए सर, इसको खाते खाते हम अगला प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोग बात शुरू करते हैं, उसके बाद खाना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, है ना? विद योर परमिशन अतुल। सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहीं लिखा है कि आपने आपका जो चॉइस था या प्रोफेशन था वो एक वक्त ऐसा हो गया कि आपको रोजी रोटी के लिए घर में टेबल पे खाना लाने के लिए उसको करना पड़ा। जी तो सर कहीं कभी लगता है कि गलत कर दिए आप, कि आपका जो पैशन था वो जो प्रोफेशन बना उसके बाद आपका स्थिति ऐसा हो गया कि आपको मजबूरन बहुत कुछ करना पड़ा? तो सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि अपनी अपने घर पे टेबल पर खाना लाने के लिए काम करना, अपने सर्वाइवल के लिए काम करना, अपने बच्चे की फीस देने के लिए काम करना, अपने फैमिली को ख्याल रखने के लिए काम करना, इसमें शर्म नहीं है। दिस इज समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए हम लोग सब लोग इतने सक्सेस स्टोरीज से इंस्पायर्ड रहते हैं ना, हमें लगता है कि सिर्फ सक्सेस होना चाहिए। हम हार्डवर्क करना, जो हार्डवर्क करता है, जो काम करता है और शाम को खाता है, उसको लुक डाउन करते हैं। नहीं साहब, हमारी देश की न जाने कितनी जनता है, पूरे वर्ल्ड की कितनी जनता है जो काम करते हैं खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर एनी वन इंक्लूडिंग माई सेल्फ हु वर्क्स। नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो हो सकता है सिर्फ खाने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट नेवर आई पर्सनली हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड पीपल हु वर्क हार्ड टू पुट फूड ऑन द टेबल, एंड देयरफॉर आई हैव नेवर डिसरिस्पेक्टेड मी। जब एक पूरा ऐसा टाइम था जब मुझे वो सब फिल्में करनी पड़ी जो मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं मुझे खाना लाना था। और मैं इसी वजह बताता हूँ, एज एन एक्टर मैं डेफिनेटली एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मुझे अपने घर को संभालना है, उनको खाना खिलाना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, समझ रहे हैं आप? सो देयरफॉर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट इज नॉट हाई आर्ट, आप जब मन किया करें, नहीं तो आप अपने अपने आप को बेच लिया। बिल्कुल नहीं साहब, हर चीज़ अगर आप जब चेक को साइन करते हैं तो वो पैशन के साथ साइन नहीं कर सकते। चेक को साइन आपको एक फिगर के साथ करना है, आपको ईएमआई देना पड़ता है पैसे के साथ। मतलब आप जब आप चेक साइन करते हैं या कोई स्टोरी सुनते हैं तब आप चूज ही नहीं होते? क्यों नहीं होऊंगा जी, जरूर होऊंगा। पर मैं ये कह रहा हूँ, कहते ना कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना, नहीं बिल्कुल नहीं, पैसा जरूरी है भाई साहब, तो नहीं तो कोई भी काम पे नहीं करेगा। तो हम लोग नो वी लुक डाउन अपॉन मनी, हमको लगता है कि अगर आप आर्टिस्ट है तो नहीं, पैसा बिल्कुल जरूरी है भाई साहब,
दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने दिमाग में ऐसी झूठ फैला दी है कि हम लोग कहते हैं नहीं यार मुझे ऐसा नहीं, खाना लाने के लिए काम करना का देता। अब मैं बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि हम लोग सब ऑनेस्टली काम करें। सो एनीबडी हु इज डूइंग एन ऑनेस्ट डेज वर्क एंड ब्रिंगिंग फूड टू द टेबल, देखिए करियर का किसी के हाथ, किसी एक के हाथ में नहीं होता। आपका करियर, आपका करियर, मेरा करियर, वी हैव ऑल सीन अप्स एंड डाउन्स, राइट? कोई उसमें कोई हमारे अतुल की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मेरी में भी, आपकी भी, किसी के भी लाइफ में। तो वेन यू आर ओके विद दैट, तो फिर शर्माना किस बात का? क्योंकि लाइफ में हमेशा सक्सेस नहीं रहने वाला, लाइफ में हमेशा फेलियर नहीं रहने वाला। लाइफ में एक चीज जिसको हम कांस्टेंट रख सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, इज होप, आशा, उम्मीद। साउथ की फिल्म में जाना इसी उम्मीद से गए थे आप? बिल्कुल। अगर सब ठीक ठाक रहता, आप अगर आपका संघर्ष उस तरीके से नहीं रहता, नहीं तो आप नहीं जाते, तो शायद मैं नहीं जाता और शायद मेरी तब जिंदगी अलग होती। आज की तारीख में तकरीबन अब शायद तकरीबन 300 फिल्में हो गई हैं मेरी जी। वो इसीलिए हो पाई क्योंकि मैं दक्षिण में जा पाया। देखिए हर चीज़ के कोई, हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं दक्षिण में गया इस तरफ क्योंकि उस वक्त मुझे हिंदी में अच्छा काम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज अगर मैं देखूँ कि अरे यार अगर मैं सिर्फ हिंदी में रहता तो क्या होता, मुझे नहीं पता क्या होता। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि क्योंकि मैं साउथ में गया, आज की तारीख में 11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ।